हाँ आप बहुत ही यूजफुल वीडियो में आए हैं। अगर आपको ब्यूटीफुल स्किन चाहिए, घने बाल चाहिए, मुलायम होंठ चाहिए और बहुत ही मजबूत अच्छे दिखने वाले नाखून चाहिए तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। आज मैं आपको इस वीडियो में ये छोटे से विटामिन बी और डी कैप्सूल, जिसको ब्यूटी कैप्सूल भी कहा जाता है, इससे हम बहुत ही यूजफुल चीजें करने वाले हैं। पर ये कैप्सूल को कैसे इस्तेमाल करना है इस बारे में आपको डिटेल में समझना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाली हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और अगर आप मेरे हेल्थ ब्यूटी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बस सब्सक्राइब बटन को दबाना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए ये विटामिन ई ऑयल की कैप्सूल है, ये आपको आसानी से केमिस्ट में मिल जाएगी। 10 पीसेस है और ये हमारे हेयर और स्किन दोनों के लिए बहुत ही अच्छी है। प्राइस बता देती हूँ, ये 38 रुपीज है जो बहुत ही नॉमिनल है, तो इसको डेफिनेटली हमको इस्तेमाल में लेना चाहिए। चलिए मैं भी स्किन के लिए आपको फेस सीरम जो है वो बनाना सिखाती हूँ। उसके लिए चाहिए 2 टेबल स्पून जितना एलोवेरा जेल। एलोवेराजेल एज वी ऑल नो बहुत ही इसके बेनिफिट्स हैं, मैंने इसके बेनिफिट पे ही अलग से वीडियो बनाया था तो डेफिनेटली वो भी देख सकते हैं आप। और अभी क्या करना है हमको, बस ये विटामिन ई ऑयल की कैप्सूल एक ले लेनी है। इसको हमारे कोई भी सेफ्टी पिन की मदद से बस ओपन करके वो ऑयल जो है बस इसमें डाल देंगे हम। बस इसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये दोनों चीजें ऐसी है जो हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी है, अच्छे रिजल्ट देती है और बहुत ही अच्छी कम दामों में हमें मार्केट में आसानी से मिल जाती है, तो बहुत ही हमें महंगे महंगे प्रोडक्ट्स हमें लेने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट कर लेगी आपके पास छोटा सा कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर है तो उसमें डाल के आप रख सकते हैं। हमारा फेस सीरम बनके रेडी है, बस आपको क्या करना है, रात को थोड़ा सा इसको लेके आपके स्किन पे लगा लेना है। बस क्या है, फाइन लाइंस रिंकल्स वो तो फिर उसको टाटा बाय बाय कर दीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने बार बार आते रहते हैं तो फिर आपको बहुत ही सोच समझ के इसका इस्तेमाल करना है। अगर इस्तेमाल करना ही है, इसका बेनिफिट लेना है तो बस हल्का सा एक ही बूंद, 1 से 2 बूंद काफी है। आप शुरुआत में 1 बूंद से स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। और बेस्ट तो है कि ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है, ड्राई स्किन को तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको ये यूज करना ही चाहिए। और अभी बात रही सेंसिटिव स्किन के लिए, तो इसको आपको भी इसको लगाने से पहले थोड़ा पैच टेस्ट कर ले, कहाँ पे भी आपके कान के पीछे कहाँ पे भी कर ले, ताकि अगर आपको यूज टू हो रहा है फिर ही आप इसको चेहरे पे अप्लाई करें। विटामिन ई ऑयल हमारे हेयर के लिए भी बहुत ही अच्छा है, आपको बस क्या करना है, 1 कैप्सूल ले लेना है, साथ ही जो भी आप यूज करते हैं हेयर ऑयल वो इसके साथ मिला के ले लेना है और अच्छे से आपके स्कैल्प में लगाना है। आई डोंट प्रेफर टू पुट इट ऑन माई हेयर स्कैल्प बिकॉज मेरा जो स्कैल्प है बहुत ही ऑयली है, तो पर उसके अलावा मैं क्या करती हूँ, मेरे यहाँ के जो नीचे के पार्ट है यहाँ पर मैं लगाती हूँ क्योंकि ये मेरे पार्ट बहुत ही फ्रिजी है, तो इससे भी मुझे बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिला है। ये जो ड्राइस अगर जिसका स्कैल्प है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, वो डेफिनेटली लगा सकते हैं यहाँ पे स्कैल्प पे, ये आपके स्कैल्प को हेल्दी रखता है, हेयर फॉल को रोकता है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है जिससे ओवरऑल हमारे हेयर का ग्रोथ होता है। बहुत लोग के होंठ बहुत ही ड्राई होते हैं और नो डाउट हमारे चेहरे में हमारे होंठ भी बहुत ही अच्छे दिखने चाहिए तो ही ओवरऑल हम खूबसूरत दिखते हैं, तो इसके लिए भी आप विटामिन ई के ऑयल का कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको इसको 1 या 2 बूंद लेना है, आपके होंठ पे रात को सोने से पहले लगा लेना है। बहुत लोगों को नाखून बढ़ाने की इच्छा होती है पर वो बढ़ते ही नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, आपको बस ये क्या करना है, ये विटामिन ई के ऑयल को रात को सोने से पहले आपके नाखूनों में भी अच्छे से मसाज करना है। बस क्या, थोड़े दिनों में देखिए आपके नाखून है बहुत अच्छी तरह से बढ़ेंगे और मजबूत भी होंगे। जरूर ये DIY आपकी ब्यूटी रूटीन में शामिल करें, मुझे डेफिनेटली पता है आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर हाँ, जो भी मैंने बातों का बताया है आपको खास ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंगली आप लगाइए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अन करने का टाइम आ गया है, पर हाँ डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फॉर श्योर मेरे हेल्थ ब्यूटी फैमिली को। बाय, दिस इज गीता साइनिंग ऑफ। टेक केयर, और क्या करना है, स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल।